और कहते हैं कि शक अगर किसी के जहन में बैठ जाए तो पूरे परिवार को तबाह कर देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बागपत के बिहारीपुर गांव से, जहां एक शख्स ने अपनी भाभी के चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि आरोपी देवर को शक था कि उसकी भाभी के किसी और के साथ अवैध संबंध थे। शक की भेंट चढ़ी जिंदगी, देवर ने किया भाभी का कत्ल। जब आपसी रिश्तों में शक की दीवार मजबूत होने लगे तो उसका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होता। यूपी में बागपत कोतवाली के बिहारीपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। दरअसल मृतका बबीता की शादी 15 साल पहले विनोद नाम के शख्स से हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी देवर को शक था कि उसकी भाभी के किसी और के साथ गलत संबंध थे। इस बात को लेकर उन दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। उधर परिजन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि राहुल ने अपनी भाभी की हत्या क्यों की। घटना ये हुई थी, मैं सुबह तो कंपनी का था जी हरियाणा में, तो कंपनी से आज आकर मैं सुबह सीधा अपने ऊपर का जहाँ पर मेरी पत्नी रहती थी, तो वहाँ जाकर देखा छोटे वाला लड़का था, भाई था मेरा, वो मेरी बीवी का चक्कू मार रखे थे, मुँह में कपड़ा ठूस रखा था। तो मैं गया एकदम, मैं भी घबरा गया, घबरा गया वो करा उसने मेरी तरफ को बीवी ने ऐसे तो कराया हादसा। बस इतना मैं दूसरी तरफ निकल गया लकड़िया टंडी लेने का, इतना मैं कूद का भाज गया, मैं फिर उसके दूर गया, इतना वो बिल्कुल जिद्दी पाई गई थी जी। भाई कुछ पता नहीं क्या, मैं किसी को कुछ पता ही नहीं, तुम भी नहीं करी भाई ये उसने, तो क्या वो उन्होंने कहा ना किसी ने यहां पे किसकी कई लग रहे हमको, हमको भी पेट का को भी, हमको सांस लो तक को भी हतारे सब पे कई चक्कू लग रहे। राहुल तो किसी को पकड़ा दिया, पकड़ा गया हमने तो पुलिस को, हम वाली बार नहीं, उसके हम वाली बार नहीं, हमने कविता के पुलिस ने हत्या के आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर दिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही हत्या की सही वजह का खुलासा हो जाएगा। ये बिहारीपुर गांव थाना कोतवाली बागपत में पड़ता है। यहाँ परिवार में आपसी में विवाद था मनमुटाव को लेकर, उसके देवर ने अपनी जो भाभी की हत्या कर दी है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, देवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ के बाद हत्या का खुलासा जरूर हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सिर्फ शक की बुनियाद पर कोई कैसे किसी की हत्या कर सकता है। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7।